नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमयूजेड न्यूज और मैं हूं श्रृंखला प्रियदर्शनी। पटना सिटी सिख धर्म के दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 352वें प्रकाश पर्व के पहले दिन बड़ी प्रभात फेरी गुरु बाग से निकलकर पटना साहिब होते हुए तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। इसी बड़ी प्रभात फेरी में पंच प्यारे के अगुवाई में हजारों सिख श्रद्धालुओं ने भाग लेकर गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए बोले, सो निहाल सत श्री अकाल, वाहे गुरु जी के खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह की गूंज से पूरा वातावरण गुरुमय हो गया। बाहर से आए श्रद्धालुओं ने कहा कि मैं गुरु के घर पहुंचकर अपने आप को सौभाग्य मानता हूं। पटना की धरती गुरुओं की धरती है। इस धरती की मिट्टी से जो तिलक लगाया वह अपने आप जीवन को धन्य मनाया। वहीं गुरु पर्व के मौके पर कई समाज सेवियों के साथ कई धर्मों के लोग गुरु सेवा तथा बाहर से आए सिख श्रद्धालुओं की सेवा में लगे हैं। चाय बिस्कुट तथा अन्य प्रकार के सामग्री वितरण कर रहे हैं। वहीं वार्ड 62 के निगम पार्षद तारा देवी समाज सेवी उमेश मेहता ने सिख श्रद्धालुओं और पंच प्यारे का जोरदार स्वागत किया। मगध विश्वविद्यालय का सत्र नियमित करने, स्नातक 1 और 2 की परीक्षा तिथि घोषित करने और स्नातक 3 सहित सभी लंबित परीक्षाओं का परीक्षाफल घोषित करने आदि मांगों को लेकर AISF का कॉमर्स कॉलेज गेट पर विरोध प्रदर्शन हुआ। मगध विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक का किया पुतला दहन। अंजना हत्याकांड में गया पुलिस की भूमिका संदेहास्पद, CBI से जांच कराए सरकार, पीड़िता के परिजनों पर बनाया जा रहा है दबाव। भाकपा माले टीम ने किया घटना स्थल का दौरा। 16 जनवरी को गया जिला अधिकारी के समक्ष माले अफवाह का प्रदर्शन। आपको बता दें कि जांच टीम का कहना है कि अंजना जिस परिवार से आती है वह बहुत ही गरीब है, पूरा परिवार मजदूरी पर निर्भर है। मानपुर में पटवा समुदाय के मुख्य लोग बुनकर का काम करते हैं। मजदूर परिवार में इस तरह की ऑनर किलिंग की बात पूरी तरह से बेबुनियादी है। स्थानीय प्रशासन इस घटना क्रम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। 27 दिसंबर को अंजना के गुम होने की बात सामने आई, लेकिन थाने में मामला टालमटोल किया गया। 14 जनवरी को थाने में मामला दर्ज किया गया। यदि प्रशासन ने इस मामले में सतर्कता बरती होती तो सही समय पर कदम उठाया होता तो अंजना की जान बचाई जा सकती थी। इसीलिए भाकपा माले और अफवाह सरकार से इस घटना को CBI से जांच करने की मांग करती है। देखिए, कल हम लोगों की जांच टीम, मैं खुद थी, रीता जी हमारी अफवाह की ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं बिहार की, वो थी, निरंजन जी भाकपा माले गया जिला के सचिव हैं वो थे, और रामबलि प्रसाद AICCTU के लीडर हैं वो थे। तो हम लोग जो जांच टीम में हम लोगों ने देखा पाया, पूरे मोहल्ले में बातचीत की, तो कहीं से भी जो प्रशासन इसको ऑनर किलिंग करना चाहती है ये कहीं से भी हम लोगों को प्रथम दृष्टया में और पूरे गहराई से जांच में ये ऑनर किलिंग का मामला नहीं लगता है। क्योंकि वो पूरे मतलब कि लड़की जिस तरह का परिवार है और उसके इस घटना के खिलाफ जिस तरह से पूरा समुदाय, एक एक बाल बच्चा से लेकर के पूरे तमाम महिलाएं 9 तारीख को कैंडल मार्च में सड़कों पर उतर गई, उस तरह से मतलब वो कोई ऑनर किलिंग का मामला और पूरे इसका मामला हम लोगों को नहीं लगता है। और दूसरी बात ये कि लगातार वो लोग जिस दिन से 28 तारीख से लड़की गायब हुई है 29 तारीख से लगातार वो लोग केस करने की कोशिश कर रहे हैं, केस नहीं लिया गया, और तब जाकर के 3 तारीख को ये लोग SP के पास गए हैं, SP का फोन आने पर ये केस दर्ज किया गया है।
तो जब लगातार जा रहे हैं, एक लड़की गायब है, सारे लोग जाके कह रहे हैं, तो प्रशासन इस पर चुस्त दुरुस्त क्यों नहीं हुआ? अगर समय रहते अगर प्रशासन सक्रिय हो गया होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। जिस तरह से उस लड़की का सर कटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, पूरे उसका मतलब पूरा ऊपर का बदन नंगा है, और जिस तरह से पूरा लग रहा है कि शरीर को नोचा गया है, गला को खींचा गया है, एकदम मस्त मतलब उसका लाश देखा गया है और पूरे शरीर पर तेजाब डाला गया है, तो इस तरह की बर्बर घटना है। और उस इलाके में आपराधिक घटनाएं, आपराधिक आपराधिक तत्व वहाँ रेगुलर सक्रिय है, कई इस तरह की घटनाएं हुई हैं। और इधर कैंडल मार्च निकला है और प्रशासन पूरे परिवार को उठा करके ले जाता है, और ले जा करके वो उसका चचेरा भाई, उसमें मात्र एक करीब 20-22 साल का चचेरा भाई होगा, उसको मगर पूरा पुलिस छोड़ भी देती है, मगर ये तीन बहनों को, उसके माँ बाप को और दादा को और चाची को पुलिस अपने कस्टडी में रखती है। और यहाँ तक हम लोगों को सुनने में मिला है कि 3rd degree का टॉर्चर किया गया है, और टॉर्चर करके इस तरह से उन लोगों से कबुलवाया जा रहा है। पिछली घटना रीता जी बताएंगी कि बुरारू में जो जिस तरह से डॉक्टर की बेटी के साथ है, उसके सामने बलात्कार की घटना हुई थी और पूरे बिहार में हंगामा हुआ था, तो वहाँ का DSP, वहाँ का प्रशासन उस पूरी घटना को दूसरी दिशा में मोड़ दिया था, और आज भी इस घटना को प्रशासन वहाँ का दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहा है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का CBI जाँच कराई जाए, उसको न्याय मिले, और नहीं तो रीता जी आगे का कार्यक्रम घोषणा करेंगे कि हम लोग आगे क्या क्या और करेंगे। खास जाति का सामंती धाक है, और कहीं भी छोटा मोटा भी केस होता है, बड़ी घटना भी होती है, तो उसे दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। लड़की के माता पिता खुद बुनियादगंज थाना में जा करके FIR दर्ज करने की कोशिश की गई, लेकिन थाना के द्वारा कोई कहीं से भी उन्हें सहयोग नहीं मिला। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि तत्काल थाना प्रभारी को मुअत्तल किया जाए। दूसरी जो बात है कि वो बिल्कुल मजदूर वर्ग की है। सबसे पहले उस परिवार को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो चाहे सामाजिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, कहीं ना कहीं उसे वो मतलब आतंक का माहौल, क्योंकि जो कैंडल मार्च निकला उसे साफ हो गया कि उसमें कोई पटवा जाति के लोग नहीं थे, बल्कि वो पूरे 10,000 के लोग शामिल हुए। सब घर में जो स्थिति था, और वो जान रहा था कि वो पूरा मानपुर खाली हो गया, और 6 से 6:30 के बीच में उस पूरे परिवार की मतलब वो थाना में उसे हाजिर कर दिया जाता है, उसके पीड़ित परिवार को। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि प्रशासन, खास करके नीतीश कुमार ने कहा था कि कहीं भी इस तरह के महिला उत्पीड़न की घटना होगी तो DMSP जवाबदेह होगा। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि तत्काल SP को वहाँ भी जांच के घेरे में लिया जाए, जो परिवार को 3rd degree का ऑपरेशन किया जा रहा है उसे दूसरे दिशा में लिया जा रहा है। और तीसरी जो बात है कि 16 तारीख को एपवा के द्वारा, भाकपा माले के द्वारा, और वहाँ जो शहरी गरीब लोग हैं उनके बैनर से हम DM के समक्ष घेराव करेंगे, गुहार लगाएंगे, और बोलेंगे कि उस बच्ची के हत्यारे को, खास करके जो दबदबा परिवार है उनका ही ये हाथ है। रीता बरनवाल, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य। पटना सिटी में दिगंबर जैन निर्माण समिति की ओर से आज जुलूस निकाला गया, जो दादावाड़ी जैन मंदिर से निकलकर अशोक राजपथ होते हुए गुलजारबाग कमलदास सुदर्शन मुनि पथ आश्रम में पहुंचा, जहां दर्जनों जैन श्रद्धालुओं ने इस जुलूस में भाग लेकर भजन गाजे बाजे के साथ भाग लिया। बहुत 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 बह
एमयूजेड न्यूज के साथ। धन्यवाद।